हाय एवरीवन, आज हम करेंगे प्लांट डिजीज एंड ब्रांच ऑफ जूलॉजी फ्रॉम ल्यूसेंट। सो शेयर एंड लाइक द वीडियो। गुड इवनिंग खुशबू, शेयर कर दो वीडियो को, फिर स्टार्ट करते हैं। हाय दीपाली, लाइक एंड शेयर द वीडियो। लाइक एंड शेयर। हाय फारीन, ओके फारीन, कोई नहीं, अच्छी बात है। हाय नव्या, गुड इवनिंग रवीना, गुड इवनिंग निकिता, हाय आस्था। आस्था वो मैं ना भूल गई थी पिछले वाली, उसमें रिवाइज कराना और मैंने बंद कर दी थी, बट आप एक बार जाके पहले देख लें ना, ठीक है। जय हिंद राधा, हाय नंदना, डोंट फियर, ओके फारी, डोंट बी अफ्रेड। गुड इवनिंग पूनम, हाय मोनिका, हाय निकिता, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। गुड इवनिंग शिक्षा, गुड इवनिंग विनीता, गुड इवनिंग निकिता। नंदना, आपने बोला था ना कि वो स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर करा देना, मैं करा चुकी हूँ उसको, अभी मेरे को याद आया मैं करा चुकी हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली वीडियो पर देखना जाकर, उसमें मैं करा चुकी हूँ। तो फिर मैंने अब क्या किया, प्लांट डिजीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो लिया, और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का लिया, ठीक है, सॉरी जूलॉजी का लिया, जो भी ब्रांचेस होती है वो लिए हैं, और प्लांट डिजीज़ लिए हैं, और वो मैं करा चुकी हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले वीडियो में देख लेना, ठीक है। यस, हाय साक्षी, हाय अनामिका, हाय सहाना, ओके अनामिका, थैंक यू। हाय कंचन, और आज जो अभी मैं जो टॉपिक कराऊंगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे 3 मार्क्स तो पक्के हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और कम ही परसेंट है, ठीक है, कम हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, बट उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके निकिता, हाय रितिका, गुड इवनिंग, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बच्चे आगे क्या बच्चे, लाइक तो कर दो, 16 बच्चे हो, 6 लाइक है, चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए, हाँ जी स्टार्ट कर दिया मैंने। अभी बताइए, रस्ट ऑफ वीट इज अ कैसी डिजीज़ है, फंगल डिजीज़, वायरल डिजीज़, हॉर्मोनल डिसऑर्डर, बैक्टीरियल डिजीज़। सो व्हाट इज़ रस्ट ऑफ वीट,
What is rust of wheat? Fungal disease, viral disease, hormonal disorder, bacterial disease. Yes, it is. That is fungal disease. Next question. Which of the following is used as rodenticides? Rodenticides को मतलब उसके purpose के लिए किसको use करते हैं हम? Zinc phosphide, zinc carbonate, zinc chloride, zinc sulfide. बताइए किसको यूज करते हैं? ओके, सो द आंसर इज जिंक फॉस्फाइड. ओके, आंसर इज ए. आंसर इज जिंक फॉस्फाइड. ठीक है, रोडेंटिसाइड क्या होते हैं? वो केमिकल्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो रैट्स को मारते हैं, रोडेंट पेस्ट को. ठीक है, रैट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम जिंक होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. टीका. ओके, टीका डिजीज इज रिलेटेड विद विच क्रॉप? किस क्रॉप से रिलेटेड है? मस्टर्ड, पैडी, ग्राउंडनट, ऑल ऑफ दीज. इट्स ओके अलीशा. हाँ जी, रेड को मारने वाले जिंक फॉस्फाइड. बिल्कुल, दो ही क्वेश्चन किए हैं हमने. दो क्वेश्चन किए हैं. देखो, ये वाले रस्ट ऑफ जो है वो फंगल डिजीज है, और दूसरा ये किया था रोडेंटिसाइड जो रैट्स को मारने के लिए चाहिए होते हैं. ठीक है, उस वो कौन सा यूज़ करते हैं हम? जिंक फॉस्फाइड यूज़ करते हैं. ठीक है, टीका डिजीज किस क्रॉप से रिलेटेड है? सो द आंसर सी, ग्राउंड नट. ओके, आंसर इज सी, ग्राउंड नट से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैम्पिंग ऑफ ऑल सीडलिंग्स इज कॉज्ड बाय. ठीक है, कैसे कर सकते हैं? जो भी जो डैम्प होती है सीडलिंग्स, वो किससे कॉज होती है? पेरोनोस्पोला, पैरासिटिका, पाइथियम, डिबरनियम, एल्ब्यूगो, कैडिडा, फाइटोरा इन्फेस्टेंस. ओके, गुड इवनिंग रश्मि. मैं ठीक हूँ रश्मि, आप बताओ. सो द आंसर इज बी. ओके, आंसर इज बी, फाइथियम डिबेरियम. ओके, आंसर इज बी. साइंटिफिक नेम्स आर जस्ट. चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन. रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी इज कॉज्ड बाय. रेड रस्ट डिजीज जो होती है टी की, वो किससे कॉज होती है? बैक्टीरिया, लिचन, फंजाई, ग्रीन एल्गे. रेड रस्ट डिजीज. ओके रश्मि, ये सो द आंसर इज डी, ग्रीन एल्गे. टी का जो रेड रस्ट डिजीज होती है टी की, ठीक है, वो ग्रीन एल्गे से होती है. टी की पूछ रखी है रेड रस्ट डिजीज. ओके, तो वो ग्रीन एल्गे से होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रीन ईयर डिजीज इज रिलेटेड विद विच क्रॉप? ग्रीन ईयर डिजीज जो होती है वो किस क्रॉप से रिलेटेड होती है? मस्टर्ड, पैडी, बाजरा, ग्राउंडनट. ग्रीन ईयर डिजीज किस क्रॉप से रिलेटेड है? मस्टर्ड, पैडी, बाजरा, ग्राउंडनट. सो द आंसर इज सी, बाजरा. ठीक है, आंसर इज बाजरा. ग्रीन ईयर डिजीज इज रिलेटेड टू बाजरा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट इज मोस्ट हार्मफुल फॉर क्रॉप? कौन सी स्टेज होती है इंसेक्ट की जो हार्मफुल होती है क्रॉप के लिए? एग, प्यूपा, कैटरपिलर, इमैगो. जैन कोमल, येस ऑफकोर्स, कैटरपिलर ही होती है, वही खा जाता है लीव्स को. सो आंसर इज कैटरपिलर. ओके, आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेड रॉट ऑफ शुगर केन. ओके, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय. कौन कॉज करता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन को, बताइए जल्दी. रेड रॉट ऑफ शुगर केन.
रितिका क्लियर शो नहीं हो रहा है तो क्वालिटी को बढ़ा लो, हो जाएगा क्लियर, ठीक है? सो आंसर इज ए, ठीक है, आंसर इज ए कोलिट्रोट्राइकम फैल्सिटम, आंसर इज ए रेड रॉट ऑफ शुगर केन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल रीफ रोस्टिंग रोज सेटिंग इज डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ, किसका डेफिशिएंसी सिम्टम है? जिंक, मैंगनीज, बोरोन, बताइए जल्दी. जल्दी बताओ. ओके. और इसके अंदर कुछ नहीं होता, जो लीफ होती है वो क्या हो जाता है, उसमें क्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है, थिकनिंग हो जाती है रूट्स में. अभी ठीक है, मैं यही हूँ भाई. अभी क्लियर, अच्छा रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चंस को. चलो बताती हूँ मैं. लीफ जो लिटिल लीफ रोसेटिंग वो किस डेफिशिएंसी से होती है, वो होती है जिंक की. ओके अभी टेंथ का बताती हूँ कि किसने स्टडी किया था वीट रस्ट प्रॉब्लम को. सो दैट इज के सी मेहता, बी इज द करेक्ट आंसर, के सी मेहता इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज फायर ब्लाइट, फायर ब्लाइट जो है वो किस में होती है? एप्पल, कोकोनट, ऑरेंज, ग्रेप्स. सो किस में होती है फायर ब्लाइट? गुड इवनिंग पूजा. फायर ब्लाइट किससे रिलेटेड है? सो आंसर इज एप्पल. ओके आंसर इज एप्पल, ए इज द करेक्ट आंसर. गुड इवनिंग मीना. ओके आंसर इज एप्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड रॉट ऑफ शुगर केन? दोबारा क्वेश्चन आया ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन, अब तो गलत नहीं होना चाहिए ये. कौन रिस्पॉन्सिबल है रेड रॉट ऑफ शुगर केन के लिए? गुड इवनिंग वैष्णवी. अभी तो गलत नहीं होना चाहिए रेड रॉट ऑफ शुगर केन. सो आंसर इज ए, ठीक है, कोलिट्रोट्राइकम फैल्सिटम. ओके आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसको मैच करना है, ठीक है, मैच करना है विद द डिजीज, जो क्रॉप्स के अंदर डिजीज होती है उससे मैच करना है. पैडी, वीट, मस्टर्ड, शुगर केन आपको दे रखी है और इसको मैच करो. रेड रोट तो अभी पढ़ा आपने, ठीक है, किसके अंदर होता है? शुगर केन के अंदर. शुगर केन तो है वो, रेड रोट तो शुगर केन के अंदर है, ठीक है. अब देख लो फिर मस्टर्ड जो किस में होता है, हाँ ड्राउनी माइल्ड्यू में होता है ना, मतलब ये डिजीज होती है मस्टर्ड के अंदर. फिर जो वीट के अंदर क्या होता है, रस्ट है ना, और पैडी, पैडी के अंदर क्या होता है, ब्लास्ट. सो क्या आ जाएगा ऑफ, बताओ इसमें से कौन सा. आई थिंक बफरिंग हो रही है. तो ही रहेगा और तुम्हारा टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा. आंसर के साथ में पीडीएफ, इफ़ आई एम ऑडिबल क्योंकि मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी. बहुत ज़्यादा बफरिंग हो रही है मुझे पता है, आगे वीडियो नहीं चलेगी.
तो मैं ये PDF जो है वो शेयर कर दूंगी विद द आंसर, जिसको कर ठीक है, आई विल शेयर द वीडियो, ये आंसर के साथ में PDF शेयर कर दूंगी, सो डोंट वरी। ओके ठीक है, चलिए अभी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाउ इज दिस, डोंट वरी अबाउट दिस, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। हाँ जी पूछ लेना।